आप देख सकते हैं संजू मूवी का पोस्टर लगा हुआ है और अभी मैं जैसे ही मूवी का शो छूटता है तो मैं लोगों से रिव्यू लेता हूँ। अच्छा संजू बाबा, अच्छा कैसा बायोग्राफी, रणबीर कपूर कैसा लग रहा है उसमें? सेम टू सेम? हाँ, सेम टू सेम लगा, इमोशनल था, बहुत ही अच्छा फूल था। थैंक यू सो मच। बायोग्राफी और रणबीर कपूर ने रोल जो किया है सेम टू सेम लग रहा था। थैंक यू सो मच। बोलना यार। अरे यार अच्छा बस मूवी संजू बाबा मूवी। थैंक्स थैंक्स। अच्छा ये बताओ कल जो सबसे बड़ी मूवी रिलीज हो रही है जिस एक आदमी के ऊपर बायोग्राफी जिसकी मिस्टर संजू बाबा, उस पिक्चर के बारे में आपका क्या कहना है? मैं संजू तो मूवी देखने के लिए संजू बाबा मूवी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जिस दिन से मैंने ट्रेलर देखा मैंने सोच लिया था संजू बाबा के ऑटोबायोग्राफी जरूर देखना है और कल मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा। और मैंने टॉकीज भी डिसाइड कर लिया कहाँ देखूंगा, वो है कार्निवल सिनेमा भांडुप। बहुत अच्छे। अच्छा ये पिक्चर उस बड़ी हस्ती ने बनाई है जिन्होंने थ्री इडियट्स, पीके, मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई बनाई है। क्या आपको लगता है कि इस चारों पिक्चर को बीट कर देगी ये जो मूवी है संजू बाबा की? जरूर जरूर। राजकुमार हिरानी इज एन एक्सलेंट डायरेक्टर और मुझे उम्मीद है राजकुमार हिरानी की ये मूवी संजू बाबा जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है संजय दत्त के ऊपर, वो जरूर ये चार मूवी जो उन्होंने पहले बनाया उसको बीट कर देगी। और ये मुझे लगता है 700-800 करोड़ तो कहीं नहीं गई ये मूवी, 700-800 करोड़ बनाना है, जरूर बनाना है। बहुत ही अच्छा। थैंक यू।